रिकॉर्डिंग स्टार्ट. सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. देखो इसी के अंदर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जो कुछ भी रहेगा जावास्क्रिप्ट कोड यही पे लिखने वाला हूँ मैं. सो देखो मैं एक वेरिएबल, मैंने आपको दूसरा तरीका बताया कि हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग अ वेर कीवर्ड. सो देखो वेर कीवर्ड वेर, ओके यहाँ पे देखो डिक्लेयर अ वेरिएबल. सो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ वेरिएबल वेर, सेम लॉजिक सेम सब कुछ चीजें सेम सब कुछ करने वाला हूँ. यही चार लाइन वापस देखूंगा मैं. ओके ऊपर वालों को कमेंट कर दिया. ओके कमेंट तो आप लोगों को एक्चुअली पता है कि वाई वी डू कमेंट, ये भी आपको पता है. मैंने अच्छे खासा इसमें सेशन लिया है पीछे भी सीसीएस में, तो एग्जैक्टली वही रीजन है. एचटीएमएल में भी कमेंट करते थे हम लोग, सब जगह पे कमेंट कर रहे थे. कमेंट के काफी फायदे होते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है, डिस्कशन भी हमारा हुआ है. सो देखो अभी मैंने ऊपर वाले कोड को कमेंट किया. ओके सो अभी मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ एग्जैक्टली वैसी ए. ओके अब क्या कर सकते सी में, जैसे आप लोग करते पहले डिक्लेयर वेरिएबल वैसे कर लो, या फिर आपको डिक्लेयर करते ही वक्त वैल्यू देना है वो दे दो. मान लो देखो आपको ऐसे करना है इक्वल टू 30, ये दे दो आप. या फिर आप चाहते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं चाहिए, हम लोग पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, आपकी मर्जी. ठीक है देखो वेर ए कॉमा बी, आपने किया दो वेरिएबल को डिक्लेयर. अब आप देखते हैं इस वेरिएबल में है क्या भाई, इसमें क्या है, ए में क्या है. और एक फायदा आपको दिखाओ इस कंसोल लॉग का, देखो मैं कॉमा कर रहा हूँ यहाँ पे और बी लिख रहा हूँ, तो ये दोनों वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. देयर नो नीड ऑफ सेमी कॉलन. ओके सेमी कॉलन वगैरह की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे. इसको ओपन कर लो, अभी देखो दो लाइन का कोड है यहाँ पे सिर्फ. ए बी को मैंने डिक्लेयर किया, इसको बोलते हैं हम लोग डिक्लेरेशन. ओके डिक्लेरेशन ठीक है, और ये हम लोगों ने वैल्यू को फेस किया. अब देखो यहाँ पे मैं इसको रन कर लेता हूँ, रन तो ऑलरेडी है हमारा, बस इसको रिफ्रेश करना है. रिफ्रेश किया. ओके देखो हमारा फिर से जो हमारा है क्या बोलते हैं इसको, अपना जो इंटरप्रेटर वाला बंदा जो बैठा है पीछे वो रीड कर रहा है एक लाइन. ठीक है देखो अभी मैं इसको बंद कर दूं, बंद कर देता हूं मैं उसको, एक मिनट उसको निकाल लेता हूं मुझे. ओके एक्चुअली वो हमेशा ऐसे फिर स्लो मोशन में दिखाएगा, हम लोग को नहीं चाहिए इतना स्लो. हमें क्या मिला देखो यहाँ पे, आपको मैंने जैसे ही कहा कि हम लोग जब वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू नहीं डालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा. देखो अनडिफाइंड मिला हम लोग को यहाँ पे राइट. ए में अपना ये है, ए वाला वेरिएबल जो है ना अपना ए वाला इस तरह से, और ये अपना बी. अरे यार ये कौन सी लैंग्वेज टाइप हो रही है यहाँ पे, देखो ये अनडिफाइंड जो है ना ये ए वाला है ये बी वाला है. ठीक है तो आई थिंक आप लोगों को समझा होगा अनडिफाइंड क्यों आया यहाँ पे. ठीक है कुछ भी नहीं होता वहां पे जब भी, पहले तो क्या होगा आपको मिलेगा वहां पे अनडिफाइंड, दैट्स ओके. अब हम लोग को क्या करना है, इसमें वैल्यू डालना है, आपकी मर्जी. आप अगर चाहते यहाँ पे इस तरह से वैल्यू डालना तो आप डाल सकते हैं 30. ठीक है तो अभी देखो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं मैं, रिफ्रेश किया हम लोगों ने, हमें मिला 30 अनडिफाइंड. क्यों मिला, क्या रीजन है इसका, क्या रीजन है, क्या लगता है आपको रीजन क्या है? रीजन इज सिंपल. रीजन क्या है हमारा, सिंपल सा रीजन है. देखो यहाँ पे दोनों आपको स्क्रीन दिख रहे होंगे, आई थिंक आपको स्क्रीन दिख रहे हैं ना. ओके दिख रहे हैं, ये देखो ए जो है हमारा वहां पे मिला हमें 30 और बी की जगह पे हमें मिला अनडिफाइंड, सिंपल. ठीक है बी में हमारी वैल्यू नहीं है कुछ भी, तो खाली है, ए में हम लोगों ने वैल्यू दे दी, दैट्स अ रीजन. ओके सो हम लोग क्या करेंगे अभी, बी में वैल्यू डालेंगे, बी इक्वल टू मान लो हम लोगों ने किया 40, ठीक है 56 किया. अब देखो यहाँ पे वैल्यू आएगी नहीं, अभी रिफ्रेश किया मैंने, हमें मिले 30 एंड 56 टू वैल्यूज. ठीक है अब सही से अब आप एडिशन कर लो, तो ऐसे भी कर सकते हैं वेयर सी इक्वल टू ए प्लस बी. ठीक है इस तरह से भी कर सकते हैं आप. ओके अलग अलग टेक्निक से, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपको ट्राई करके देखना है अलग अलग तरीके से, क्या ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं. ठीक है इस तरह से वेयर सी, अब हम लोग सी को प्रिंट करेंगे. रिफ्रेश आई थिंक देखो 86 मिल गया हमें वहां पे राइट, 86 मिल गया एडिशन, दैट सक्सेसफुली हो गई. कोई से बड़ी बात है भाई, तो देखो ये एडिशन करना बड़ी बात नहीं है, बट हम लोग को भी चेक करना है अलग अलग केसेस से कि अगर लाइन होती ही नहीं तो, मतलब सी हम लोग ने डिक्लेयर ही नहीं किया तो और सी को प्रिंट किया तो क्या होगा भाई, एरर तो आनी चाहिए. ओके सो एरर देखो कहाँ पे आती है, रिफ्रेश करो यहाँ पे आपको एक एरर मिलेगी, रेफरेंस एरर, पॉपुलर एरर है रेफरेंस एरर. देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं दे लेता हूँ, देखो सी इज नॉट डिफाइंड. ठीक है इसको एरर बोलते हैं, रेड वाले में आएगी, देखो इस तरह से रेड में आती है. ठीक है आपको एक फैमिलियर करा रहा हूँ एरर से भी, ये हमारी एरर है. कहाँ पे आई भाई, कैसा देखेंगे हम लोग कहाँ पे, देखो नीचे लिख आई, तो इतना ये स्मार्ट है कि हमें बताता है कि कहाँ पे एरर है आपकी. देखो सी जेएस वेरिएबल्स जो हमारी फाइल है 34 नंबर्स के लाइन पे, क्लिक करो इस पे, यहाँ पे लेके आएगा. देखो हमको नीचे लेके आया, देखो यहाँ पे एरर है, कितना स्मार्ट है ये सी वाला कंपाइलर, देखा आपने इतना स्मार्ट.
यहाँ पे देखो वहां ठीक है नहीं, ये वाला इंटरप्रेटर सॉरी कंपाइलर बोल रहा हूँ मैं इसको इंटरप्रेटर, तो कंसोल डॉट ला देखो यहाँ पे एरर है, यहाँ पे बोल रहा है कि अनकॉट रेफरेंस एरर, मतलब उसको मिल नहीं रहा ये सी है कहाँ पे, ठीक है हम लोगों ने कमेंट किया था इसलिए। आई होप आपको समझा होगा, ये ऐसी चीजें आप लोग ट्राई करना, मतलब मैं जैसे आपको दिखाता हूँ ना करके, मैं अलग अलग ट्राई करता हूँ ये करके देखता हूँ वो करके देखता हूँ, तो आप लोग भी ऐसे ट्राई करना, तब जाके आपको परफेक्शन आएगा इसमें। जैसे कभी भी सब कुछ नहीं आता है, उसको सीखना ही पड़ता है हमेशा, ठीक है। सो ये था हमारा एक तरीका, अनदर वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। अब चलते हैं एक नेक्स्ट तरीके के ऊपर जो है हमारा नया तरीका, तो हम लोग हमेशा यूज करेंगे और मैं रिकमेंडेड करूंगा आप लोगों को कि हमेशा वही यूज करो जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको। सो वी आर यूजिंग नाउ यूजिंग लेट एंड कॉस्ट कीवर्ड। क्या है भाई लेट एंड कॉस्ट कीवर्ड्स, दो अलग अलग कीवर्ड्स है, दोनों का अलग अलग यूज है, ठीक है दो अलग अलग कीवर्ड है, जैसा वेयर कीवर्ड था वैसे ये भी कीवर्ड है, ओके। सो क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते, इसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जैसे ऊपर किया हम लोगों ने। फ्रॉम कब आइए इसको आए ES6 में, मैंने जैसे कहा कि जावास्क्रिप्ट के नए वर्जन होते हैं, अब इसके ऊपर डिस्कशन होगा हमारा, बट याद रखो इतना कि JS का एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए ES नाम के इसको वर्जन पे अभी तो ऐसे ही बोलते हैं इसको ES7, 8, 9 ओके इस तरह से, तो ऐसा समझ लो कि ES6 में जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ अपडेशन आए जो इस तरीके को यूज करने का कुछ एक लिमिटेशन है, मतलब इसको यूज करने का गैर क्या बोलेंगे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको यूज करने से एक प्रॉब्लम आती है हमें, उसका दूर करना है हम लोग को, और लेट एंड कॉस्ट यूज करना है हम लोग यहाँ पे। तो लेट एंड कॉस्ट कब आए, लेट एंड कॉस्ट कब आए ES6 में, अब ES6 कब आया, आई थिंक ये ES6 कब आया था, वेट अ मिनट मैं यहाँ पे सर्च कर लो, आप लोग खुद सर्च कर लेना ES6 कब आया था, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 2015। सो देखो वी कैन यूज लेट कीवर्ड टू डिक्लेयर वन एंड मोर वेरिएबल्स एंड सिमिलर लाइक वेयर कीवर्ड, ये सिमिलर है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं सिमिलर लाइक वेयर, इतना काफी है, एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको ध्यान में रखना आप लोग या फिर बाद में एक्सेस कर लेना, मुझे शेयर करने के लिए याद दिला देना, ओके। सो देखो वो सेम टू सेम है, क्यों यूज करते हैं हम लोग, क्यों यूज करते हैं लेट को, क्योंकि वेयर में एक प्रॉब्लम है। सो वो प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए मैं आपको अभी डिस्कस करा लेता, बट प्रॉब्लम ऐसा है वो, चलो करा लेता हूँ, कुछ नहीं समझ जाएंगे आप लोग। सो एक प्रॉब्लम है, एक ही लाइन में प्रॉब्लम है, देखो समझ लो, वेयर कीवर्ड जो है ना उसको स्कोप है, ओके स्कोप आपको बताना पड़ेगा सबसे पहले, स्कोप बताने के लिए मुझे एक चीज करना पड़ेगी, आपको फंक्शंस बताने चाहिए थे स्कोप बताने के लिए, बट डोंट वरी कोई बात नहीं, चलो कुछ ना कुछ मैं जुगाड़ लगा देता हूँ। सो देखो प्रॉब्लम क्या है, वेरिएबल को हम लोग जब डिक्लेयर करते हैं लेट से, ओके लेट कीवर्ड से, तो वो होता है ग्लोबल स्कोप, ओके यहाँ पे देखो लेट कीवर्ड से, मान लो लेट कीवर्ड से हम लोग किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, वेरिएबल को यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे उठा लेता हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर्ड यूजिंग लेट कीवर्ड इज अ ब्लॉक स्कोप, ठीक है क्या होता है इज अ ब्लॉक स्कोप, ब्लॉक स्कोप, अभी ये समझना पड़ेगा ना हमें व्हाट इज अ ब्लॉक स्कोप, ब्लॉक स्कोप होता क्या है, ब्लॉक स्कोप होता क्या है, अब इतना समझने के लिए देखो ब्लॉक का मतलब क्या है, देखो मान इतना समझ लो एक ब्लॉक है सिंपल सा, इतना इसमें कुछ चीज रखी हुई है, मान लो एक एग्जांपल समझ लेना, ठीक है एक मान लो एक वॉच है हमारे पास, वॉच छोटी सी हैंड वॉच जो होती है इस तरह से, या फिर रिंग समझ लो, ठीक है रिंग, ये रिंग इस ब्लॉक के अंदर रखी हुई है, ओके समझ आ रहा है सबको, इस रिंग को मैंने इस ब्लॉक के अंदर रखा, ब्लॉक ये वाला है हमारा, ठीक है अब बाहर से बाहर वाला कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता, या फिर ऐसे समझ सकते आप लोग, इससे सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो इससे सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, एक आपका घर है, ठीक है इस तरह से आपका एक होम है, ओके घर के अंदर आपका एक बेडरूम है मान लो इस तरह से, यहाँ पे आपका किचन है, यहाँ पे आपका हॉल है, ठीक है इस तरह से हॉल है मान लो इस तरह से, ठीक है यहाँ से एंट्रांस है आपका, ओके आपके बेडरूम में यहाँ पे आपकी रिंग रखी हुई है, ओके रिंग, इस रिंग को आपको एक्सेस करना है, कहाँ पे यहाँ पे, मतलब उसको लेना है, उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको इसमें जाना पड़ेगा राइट,
इस रूम के अंदर आप हैं अगर, तो आपको रिंग आराम से आपको मिल जाएगी, एक्सेस मिल पाएगा। बट आउट ऑफ ब्लॉक, मतलब ये रूम के बाहर आपको कैसे एक्सेस मिलेगा भाई यहाँ पे? तो वही सीन है यहाँ पे, देखो आप समझ सकते हैं कि जब हम लोग लेट कीवर्ड से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसको होता है ब्लॉक स्कोप। थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं अभी हम लोग आगे चल के, बट इसको तो प्रैक्टिकली स्कोप, सॉरी इसको ब्लॉक स्कोप होता है, बट वेयर को क्या होता है फिर, राइट ना? वेयर को होता है फंक्शन स्कोप, और वी कैन से दैट ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। ठीक है, फंक्शन स्कोप, वेयर कीवर्ड, सॉरी वेयर कीवर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, सो फंक्शन और ग्लोबल स्कोप, देर ये दो डिफरेंस है। और ये इतना पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इंटरव्यू में, काफी वो लोग प्रूव करने के लिए लगाते हैं, कभी कभी तो होता है, मोस्टली टाइम मेरे साथ हुआ है काफी, मतलब कि ये लोग बोलते हैं कि वाई वी यूज लेट एंड वेयर, मतलब हम लोग लेट क्यों यूज करते हैं, वेयर क्यों नहीं करते भाई, ये आप बता दो मुझे। तो हमारे पास काफी सिंपल एग्जाम्पल है इसको बताने के लिए, एक ही एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे इसको। पहले आपको याद रखना है लेट जो होते हैं ना, लेट से हम लोग जो भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे सेम टू सेम इसी तरह से, ठीक है, जो मैंने अभी वेयर के साथ किया, सिर्फ उसके जगह पे आप रिप्लेस करो लेट, दिखाता हूं चलो प्रैक्टिकली, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर। तो लेट ए इक्वल टू 10, मान लो आपको चाहते लेट बी इक्वल टू 20, ठीक, लेट सी इक्वल टू, आप कैसा भी कर सकते हैं, मैं अभी अलग अलग तरीके फॉलो करते रहता हूँ यहाँ पे। देखो मैंने तीन बार लेट लिया, हालांकि जरूरत नहीं थी इसकी तीन बार लेने की, मैं एक ही लेट में काम करा सकता हूँ सबका, बट जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीन बार इसलिए लिख दिया मैंने ताकि आपको समझ आए थोड़ा सा। ओके, देखो console.log सी एग्जैक्टली वही चीजें लिखी है मैंने यहाँ पे, 30 आउटपुट आना चाहिए, तो मैं रिफ्रेश करके दिखा था आपको, रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो 30 आउटपुट मिला हमें, ओके 30 आउटपुट हमें मिला यहाँ पे, देखो समझ आया होगा आप लोगों को कि सेम टू सेम वही चीजें यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। But there was a difference. When we declare a variable using a let, then we has had block scope. ठीक है? और जब हम लोग वैसे करते हैं तो हमें मिलता है function scope और global scope. मतलब क्या है बोलने का, देखो एक example बनाता हूं मैं आपको simple समझाने के लिए कि हम लोग एक block बनाएंगे अभी। Block बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं तो function use करने की सोच रहा था यहाँ पे, but कोई problem नहीं, हम लोग कर लेते हैं simple without function. ठीक है? हो सकता है कि आपके माइंड के ऊपर से जाए थोड़ा बहुत, मुझे पता है हो सकता है बिगिनर्स के लिए होता है, तो कुछ नहीं, चलो कुछ नहीं, टेंशन नहीं, हम लोग करते हैं। कुछ एग्जांपल है मेरे पास रेडी, मैं वही दिखाता हूँ आपको, या फिर चलो मैं बना लेता हूँ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आपको अभी दोनों समझ में आए, पहले मुझे ये बताओ कमेंट करके कि वेयर से और लेट से डिक्लेयर करना आपको समझ में आया, तब मैं फिर आगे इसका डिफरेंस बताता हूँ, दोनों का डिफरेंस मैं डिफरेंस दिखाने के लिए आपको एक एग्जांपल यूज करने वाला हूँ। डिफरेंस लेट एंड वेयर, या तो चलो आगे चलते हम लोग। अभी लेट एंड वेयर का डिफरेंस हम लोगों ने देखा, क्या एक ही डिफरेंस है, लेट कीवर्ड में ब्लॉक स्कोप होता है, वेयर जब हम लोग यूज करते हैं तो फंक्शन एंड ग्लोबल स्कोप होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल बनाएंगे हम लोग जिसमें वेयर को, देखो ऊपर वाले को मैं कमेंट कर लेता हूँ ताकि बीच में ना आए हमारे, वेयर के अंदर हम लोग दो वेरिएबल लेंगे, दो वेरिएबल ऐसे लेंगे हम लोग, कौन से वेरिएबल, ए एंड बी ले लेते, चलो सिंपल ए इक्वल टू ए कॉमा बी। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू देनी है कि हम लोग को, दे देंगे, चलो कोई नहीं, यहाँ पे दे दो 20, यहाँ पे दे दो 30। ठीक है, ये हो गया नॉर्मली। ठीक है, ये हमारे जावास्क्रिप्ट का कोड है। ओके, इस तरह से अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक बनाने के लिए मैं सिंपल कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहा हूँ, वैसे तो मैं यहाँ पे फंक्शन यूज कर सकता हूँ। देखो ब्लॉक में सब कुछ आता है, इफ की कंडीशन मान लो, एल्स की, सॉरी एल्स वाला ब्लॉक, इफ वाला ब्लॉक, फॉर लूप वाला ब्लॉक, अभी तो आगे चल के देखेंगे हम लोग अलग अलग ब्लॉक होते हैं, बट ये देखो ब्लॉक का मतलब क्या, मैंने सिंपल बताया एक ब्लॉक है सिंपल, देखो यहाँ पे एक ब्लॉक, तो कर्ली ब्रेसेस से मैंने ब्लॉक बना लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। ठीक है, सिंपल सा ब्लॉक, इसको बोलेंगे हम लोग अ ब्लॉक। ओके, ब्लॉक बनाता हूँ मैं ताकि आपको स्कोप बता सको, इसलिए ब्लॉक बनाया मैंने ब्लॉक। अब क्या करना है भाई मुझे, अभी मुझे करना है एक वेरिएबल बनाना है लेट से, लेट नेम इक्वल टू, यहाँ पे आप बोल सकते हैं लेट नेम इक्वल टू जाहिद। ओके, इस तरह से, एंड देन वी आर ट्राइंग टू गेट द वैल्यूज, कंसोल डॉट लॉग, ओके
समझ आया मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा, मैंने सिर्फ ब्लॉक बनाया इसमें। आप ऐसे समझ लो कि ये इफ वाला ब्लॉक है, अभी तो इफ मैंने पढ़ा है नहीं, बट इफ का ब्लॉक ऐसे ही होता है ना कुछ इस तरह से, इतना समझ लो ठीक है इस तरह से। बट उसके लिए कर्ली ब्रेसेस मैंने यूज किया क्योंकि मैंने सोच रहा था कि यहाँ पे फंक्शन के थ्रू बताओ आपको, बट हम लोगों ने अभी तक फंक्शन देखा नहीं है ना, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सिंपल ब्लॉक। ओके, मैंने एक ब्लॉक क्रिएट किया यहाँ पे। अब मैं ट्राई करता हूँ ए को दिखाने का आपको, साथ ही में बी को दिखाने का, और साथ ही में देखो कॉमा दे रहा हूं मैं ताकि तीनों भी प्रिंट हो जाए, और साथ ही में मुझे दिखाना है आपको नेम। तो क्या लगता है आपको इसमें से कौन सी वाली वैल्यू हमारी फेच होगी? सो मैंने एग्जांपल लिया सिर्फ और सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए कि लेट जो होता है उसको होता है ब्लॉक्स को। ओके, सो देखो मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल्स ऊपर लिए जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं वायर से, ठीक है, और जो अंदर लिया मैंने देखो यह वाला ब्लॉक स्कोप, ठीक है। इसको ब्लॉक स्कोप है मतलब क्या, ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या होता है कि ये इस ब्लॉक के बाहर नहीं मिलेगा हमें, इस ब्लॉक के अंदर तक ही इसकी क्या बोलते हैं उसको, ऐसे होता है ना जीवन सीमा, नहीं नहीं ऐसे नहीं कुछ, लाइफ साइकिल यस, या फिर लाइफ बोल सकते हैं उसकी, कि इस ब्लॉक के बाहर इसकी लाइफ नहीं है, वो सिर्फ अंदर ही रहेगा, अंदर प्रिंट होगा। देखो मैं अगर आपको दिखाऊं इनसाइड कंसोल कर लेता हूं मैं अभी अंदर, console.log इनसाइड ब्लॉक, इस तरह से आप लोग स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, इनसाइड ब्लॉक। साथ ही में आप लोग कॉमा दे दो यहाँ पे, या फिर आप प्लस लगा लो और आप नेम दे दो। ओके, प्लस क्यों लगाया मैंने, इसका रीजन क्या, कॉनकैटिनेट। ओके, मतलब दो स्ट्रिंग को अगर मुझे मिलाना है, मान लो ये वाली एक स्ट्रिंग है हमारी और दूसरी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में काफी शॉर्टकट से वैसे तो, बट मैंने प्लस इसलिए यूज किया ताकि ऐसा आए इनसाइड ब्लॉक एंड देन वैल्यू ऑफ अ नेम। ओके, ये जो जाहिद नाम होगा यहाँ पे आएगा, एंड यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखो आउटसाइड ब्लॉक। अभी इस एग्जांपल में क्या समझना है ये मैं दिखाता हूं आपको। समझना क्या है, सिंपल इतना कि मुझे ये चेक करना है यहाँ पे कि अगर इन लोग कह रहे हैं कि लेट जब मैं यूज करता हूं तो हैविंग अ ब्लॉक स्कोप, ठीक है, तो मैंने एक ब्लॉक बनाया, मैं चेक कर रहा हूँ कि लेट को सच्ची में ब्लॉक स्कोप है क्या नहीं, राइट। जब भी हम लोग इंटरव्यू को बताएंगे यार हम लोग ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, क्यों क्रिएट करें, क्योंकि हम लोग उसको बताना चाहते हैं कि भाई लेट को ब्लॉक स्कोप होता है, दैट्स व्हाई वो बाहर एक्सेस नहीं होगा, यहाँ पे एरर देगा वो, ठीक है, इधर पे एरर देगा ब्लॉक के बाहर। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको रन करके देखते और रिफ्रेश क्या मिला आपको। ओके, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा स्पेस देना तो मुझे। ओके दैट्स व्हाई, ओके क्या मिला आपको यहाँ पे, यहाँ पे देखो आप लोग एक मिनट मिला, कोई बता सकता है मुझे? देखो ये जो है ना इनसाइड ब्लॉक, ये तो मिल गया भाई सच्ची से, देखो यहाँ पे ये तो सच बात हो गई, इनकी बात प्रूफ हो गई, इनकी जो बात थी ऊपर लेट कीवर्ड को ब्लॉक्स को भी, ये प्रूफ हो गया क्योंकि ब्लॉक के अंदर चला, बट बाहर देखो आउटसाइड ब्लॉक मिला क्या, नेम नाम का वेरिएबल मिला यहाँ पे, देखो 20 मिला, 30 मिला, ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 30 है, बट नेम नहीं मिला हमें यहाँ पे, देखो नेम है क्या यहाँ पे, नो नेम नहीं है, दैट्स व्हाई देखो ये प्रूफ हो गया यहाँ पे कि ब्लॉक स्कोप होता है लेट को। अभी इसके ऑपोजिट करके देखेंगे हम लोग, देखना है आपको ऑपोजिट। चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं यहां पे देखो, इसको मैं ब्लॉक बना लेता हूं, यहां पे देखो मैं ब्लॉक बना लिया इसको, ठीक है, देखो ब्लॉक बनाया मैंने यहां पे, एक ब्लॉक बनाया, ओके इसमें ये डाल दिया, बट इन लोगों ने क्या कहा यहां पे कि इसको तो नहीं है भाई ब्लॉक स्कोप ऐसे, सो क्या करना है फिर, चलो ट्राई करके देखते क्या ये फेच हो रहा है बाहर। देयर वाज नो डिफरेंस इन आउटपुट, मतलब आउटपुट में कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला आपको। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो होता है ना वायर वाला, इसको फंक्शन स्कोप होता है, ग्लोबल स्कोप होता है, ये बाहर, इसके बाहर भी एक्सेस हो सकता है, देखो इसके आउटसाइड ब्लॉक में ये एक्सेस हुआ है, 20 हुआ, 30 हुआ, बट लेट वैसे नहीं है। अगर आप लेट से एक्सेस करोगे, लेट से डिक्लेयर करोगे वेरिएबल को, सो वो आउटसाइड ब्लॉक नो एक्सेस, ठीक है, आपको समझा हुआ, समझा या नहीं समझा, इतना आपको क्लियरली तो मैंने बता दिया, वैसे आई थिंक इतना क्लियरली नहीं बचा बताएगा कोई भी, यस ओके। अब देखो आपको एक ट्राई करना है, आप देखो मैं आपको एक, आप लोग इसका आंसर मुझे बताना, मैं क्या कर रहा हूं, इस लेट, इस वायर को लेट कर रहा हूं यहां पे, क्या किया मैंने देखो, लेट किया इसको। अब मुझे आप लोग बताना कि यहां पे इसके नीचे व्हाट
आउटपुट क्या रहेगा, आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, आप लोग माइक ओपन करके बता सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, या फिर है ना जो रिकॉर्डिंग भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग बोल सकते हैं, बता सकते हैं मुझे आप लोग आउटपुट क्या आएगा, डरना मत, गलत तो गलत आएगा, डरने हम लोग यहाँ पे कोई भी सजा नहीं देने वाले, ऐसा कोई रूल भी नहीं है हमारा, गलत तो गलत, ठीक है, सीखने में गलतियां होती है, गलतियां होनी भी चाहिए। सो क्या लगता है आपको, बोलो आप लोग बिंदास बोलो यार, डरो मत, अगर आप मुझे यहाँ बोलोगे ना तो इंटरव्यूअर को आप लोग आराम से बोल दोगे ये बात, अगर आपको बता दी ना आपने अगर ये बात इंटरव्यूअर को बता दी ना, वो पहले ही ले लेगा आपको, इसके बाद में क्वेश्चन आपको बहुत कम चांसेस रहेंगे पूछने के उसके। देखो फिर से एक बार देखना मैंने क्या कहा था, मैं आई विल रिपीट दैट स्टेटमेंट, लेट जब भी हम लोग यूज करते हैं तो लेट की जो लाइफ होती है, लेट के मतलब जो लेट के साथ में हम लोग वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं उनकी लाइफ जो होती है वो सिर्फ ब्लॉक के अंदर तक ही होती है, वो ब्लॉक के बाहर वो नहीं एक्सेस हो पाते। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम लोग लेट यूज कर रहे हैं तो लेट के जो वेरिएबल्स है उनको होता है ब्लॉक स्कोप, उसकी वजह से वो बाहर एक्सेस नहीं हो पाते। बट एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट, वेयर हम लोग जब यूज करते हैं तब उसको होता है फंक्शन एंड ग्लोबल स्कोप। सो देयर इज द रीजन, दैट वाज द रीजन, उसकी वजह से वो कहीं पे भी एक्सेस हो सकते हैं आउटसाइड द ब्लॉक भी। तो अब आपके आउटपुट क्या होते हैं ये मैं देख रहा हूं, चलो मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, देखो यहां पे रिफ्रेश, देयर वॉज अ एरर इन दैट, देखो यहाँ पे ए इज नॉट डिफाइंड, मिला हमें आउटपुट, क्या मिला आउटपुट, ए इज नॉट डिफाइंड, व्हाई, क्यों, ऐसी क्या है वजह, ए नहीं मिला देखो यहाँ पे, बट ए तो है हमारा स्क्रिप्ट में, बट इसको ए नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों ने ए को डिक्लेयर किया लेट से, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वेरिएबल, ओके लेट एंड वेर। अब इसके बाद वाला है ना वो एकदम सिंपल है, देखो दिखाता हूँ, अब ये समझ आया होगा तो आप लोग मैसेज करो वहां पे, मैं आगे वाला लेता हूँ यहाँ पे, चलो इसके बाद वाला लेता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। देखो जावास्क्रिप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, बट आपको बताने वाला वैसे चाहिए, अगर आप यही चीजें पढ़ेंगे ना किसी प्लेटफॉर्म पे जाके टाइम लगेगा समझने में वैसे तो, और आई थिंक मुझे नहीं, मुझे खुद को नहीं इतना डीप में मिला था कभी स्टार्टिंग में मेरी बिगिनिंग के वक्त। सो क्या करना है, नेक्स्ट वाले पे जाना है, लेट हो गया हमारा, वायर हो गया, ओके तरीका सेम है सबको, बनाने का तरीका सेम है, एक्सेस करने का सेम है, सब कुछ सेम है, बट एक डिफरेंस है वो आपको मैंने बता दिया। ओके सो देखो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, चलना है कि नहीं, ऑब्वियसली चलेंगे। ओके देखो अभी यहाँ पे अभी मैं क्या कर लेता हूं, अब सबको मैं करता हूं कमेंट। ओके सो कमेंट कर लेता हूँ, अभी आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बताया क्या नहीं, सब कुछ समझ में आया, वायर करके रखता हूँ यहाँ पे पहले से। ओके अब हमारा जो नेक्स्ट तरीका है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का वो है कॉन्स्ट, यहाँ पे है कॉन्स्ट, कब आया था, ES6 में आया भाई, क्यों आया, रीजन क्या है इसके पीछे, इसके पीछे क्या रीजन है जो ये आया। सो इसके पीछे एक ही रीजन है कि आपने देखा होगा ये देखो पाई वाली वैल्यूज होती है, याद होगा आपको पाई वो 3.14 कुछ ऐसे कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं ना, कांस्टेंट वैल्यूज, देखो जैसे कि पाई वाली वैल्यू है देखो 3.141 समथिंग लाइक दैट, इसके आगे कुछ ना कुछ होता है डॉट डॉट, किसी को पता नहीं, वो काफी बड़ा होता है ना, और ऐसे कुछ वैल्यूज होते हैं जैसे मान लो देखो कॉमन होती है, मतलब ये कभी चेंज नहीं होने वाले वैल्यूज आई थिंक, और क्या होता है भाई पाई है और काफी चीजें होती है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बहुत सारी चीजें होती है ऐसे, आई थिंक वो एक वैल्यू थी किसकी थी यार वैल्यू, तो वो मैंने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट में पढ़ा था आई थिंक, लाइट की स्पीड वगैरह 10^10 वैसे कुछ होता है ना। तो देखो ये कुछ वैल्यूज होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, तो ऐसे वैल्यूज को क्या करना चाहिए भाई, इनके लिए है हमारे पास कॉस्ट, मतलब हम लोग कब कॉस्ट यूज करेंगे, जब हम लोगों को ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसको हम लोग वैल्यू तो दे दें बट एक ही बार, ठीक है, उसको उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली बाद में, ठीक है। सो ऐसी चीज बनाने के लिए हम लोग को, ऐसा वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग को यूज करना है कॉस्ट, दैट सिंपल। देखो कैसे, अब देखो कॉस्ट हम लोगों ने यूज किया, कॉस्ट पाई से किया हम लोगों ने,
इसमें वैल्यू दे दी, बट एक चीज यहां पे ध्यान रखना, क्या चीज है वो, व्हेन वी डिक्लेयर्ड कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब हम लोग जब वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे उसी वक्त हम लोग को उसकी वैल्यू देना पड़ेगी, ये इसमें डिफरेंस है। ऐसा आप नहीं छोड़ सकते, अगर आप लोग कोई कॉन्स्ट यूज कर रहे हैं तो अगर उसके साथ में आपको वैल्यू देना पड़ेगी, मतलब वी नीड टू इनिशियलाइज। ओके देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस, देखो रिफ्रेश करता हूं मैं यहाँ पे, मैं आऊँ यहाँ पे देखो, मिसिंग इनिशियलाइजर इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। एरर को ध्यान से पढ़ना, एरर आपको काफी कुछ सिखाएगी। सिंटैक्स एरर क्या रही, सिंटैक्स एरर वाय मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, दैट्स मीन व्हाट इज द मीनिंग। देखो इसका मीनिंग क्या है, वो लोग बोल रहे कि जब आप कॉन्स्ट बनाएंगे, कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाएंगे, तब आपको साथ ही में उसकी वैल्यू देना पड़ेगी, 3.141 कुछ भी वैल्यू हो आपको साथ ही में देना पड़ेगी। उसके बाद में क्या भाई, उसके बाद में कुछ नहीं, देखो अब आराम से हो जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सेकंड डिफरेंस क्या, फर्स्ट डिफरेंस मैं लिखता हूं यहां पे, फर्स्ट डिफरेंस वी नीड टू डिफाइन वैल्यूज टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ओके डिक्लेरेशन, ओके डिक्लेरेशन। सेकंड वन क्या है, व्हाट इज सेकंड वन रीजन, सेकंड रीजन क्या है, इफ वी डिफाइन वैल्यू एट डिक्लेरेशन देन वी कांट चेंज वैल्यू। ओके अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे पाई इक्वल टू 3.1 मान लो 100 दे रहा हूँ मैं इसको, 100,000 दे रहा हूँ, 1,000 दे रहा हूँ, 10,000 दे रहा हूँ, ठीक है जो भी रहेगी वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है दे रहा हूँ। रिफ्रेश क्या आया भाई, यहाँ पे एरर आई, देखो एक एरर आ गई, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। ओके टाइप एरर क्या है, टाइप एरर, असाइनमेंट इज टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, मतलब क्या, आप एक बार अगर उसको दे देते हैं तो बाद में आपका चांस नहीं उसको देने का, ठीक है एक ही बार में हम लोग उसको वैल्यू देंगे, बाद में नहीं देने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं टाइप एरर, ओके वी कांट रीअसाइन वैल्यू, ओके यस एन वैल्यू टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। आप लोगों को ये वेरिएबल अच्छे खासा समझा होगा, दैट्स द बेसिक ऑफ अवर जावास्क्रिप्ट सेशंस, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे बेसिक पार्ट है, ठीक है अगर ये आता है तो काफी कुछ आएगा आपको आगे, ठीक है। वैसे मैं काफी अच्छे तरीके से कोशिश तो कर रहा हूँ आपको बताने की, बट इफ यू वांट टू चेंज इन माय वे देन बोल सकते क्या चेंज करना है तरीके में, कुछ अगर चेंज करना है तो लोगों को समझ आ रहा है तो मतलब बाकी लोगों को भी समझ आएगा, मतलब बाकी लोग कौन, जो जो भी लोग वीडियोस देखेंगे उन लोगों को, तो आप लोग फीडबैक दो मुझे, मुझे भी समझ में आएगा कुछ कम ज्यादा हो रहा है, स्पीड ज्यादा हो रही है, क्या हो रहा है आप लोग बता सकते हैं। ओके प्रिंट करने का कैसा है इसको, सेम टू सेम वैसे ही है। ओके पाई देखो यहाँ पे कर लिया मैंने पाई रिफ्रेश, दैट्स ओके ठीक है, इससे कुछ नहीं, बाकी ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है हर चीज के बारे में और कुछ नहीं। ओके okay, अब क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको, ठीक है ये हम लोगों ने कवर कर लिया वैसे वेरिएबल्स का पार्ट, काफी चीजें हम लोगों ने देख ली। ओके फीडबैक, हम लोग अभी डेटा टाइप देखेंगे, डेटा टाइप एक्चुअली हम लोगों ने देखा है ना, हम लोग क्या कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ आपको डेटा टाइप, हमारे पास टाइम भी है। ओके okay, देखो टाइम का बोला वैसे मैंने 10 मिनट्स आ गए मेरे सामने, 10 मिनट्स है हमारे पास, 9.55 seconds, 5 seconds चले गए, मतलब ऐसे जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था उसका ना मैंने, हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखते हैं, लेट्स स्टार्ट स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग चालू करने के बाद में हम लोग को क्या करना है। सो डेटा टाइप होता क्या है बेसिकली, बेसिकली जावास्क्रिप्ट में कितने डेटा टाइप्स है मैंने आपको उस दिन बताए थे, दो टाइप के डेटा टाइप, व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाट इज डेटा टाइप, ओके डेटा टाइप सिंपल सा मीनिंग है, देखो उसके नाम में ही समझ में आ रहा है, हर डेटा को, एवरी डेटा हैज इट्स ऑन टाइप, मतलब क्या हर डेटा को टाइप होता है, जैसे मान लो इमेज का कुछ टाइप है, वीडियो के अलग टाइप होता है, टेक्स्ट का अलग टाइप है,
देखो ट्रू फॉल्स जो होता है भी अलग है, नंबर का अलग है, ओके, स्ट्रिंग का अलग है, मान लो कुछ नाम है यहाँ पे, सबका अलग 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 टाइप होता है, ठीक है, दैट्स इट। और डेटा को अलग अलग टाइप है, तो जावास्क्रिप्ट में कितने डेटा टाइप है हमारे पास? इन जेएस मेनी टाइप्स, डेटा टाइप्स टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज प्राइमरी डेटा टाइप्स, ठीक है, एंड सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट बेस्ड, राइट, सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट बेस्ड, हम लोग ने देखा था ऑब्जेक्ट, आई थिंक ऑब्जेक्ट बेस्ड ही था ना वो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते थे, ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या आता है हमारे, सॉरी प्राइमरी या फिर प्रिमिटिव बोलो आप, प्रिमिटिव बेटर रहेगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आपके आते हैं, देखो यहाँ पे मैं दिखा दो आपको, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आपका आता है नल, ओके, नल, अनडिफाइंड, ये तो अपना डिस्कशन हुआ है इसके पीछे, बुलियन जिसमें हमारा आता है ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ये दो आते हैं इसमें वैल्यूज बुलियन में। फिर होता है नंबर, तो इन जावास्क्रिप्ट ओनली वी आर ओनली अ नंबर टाइप, ओके, सिर्फ नंबर टाइप है हमारे पास, फिर वो इंट के लिए हो या फिर फ्लोट के लिए हो, सिर्फ हमारे पास क्या है, एक ही है भाई, नंबर टाइप्स, ओके। हमारे पास और है भाई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग अपने जो स्ट्रिंग होते हैं नॉर्मली, कैरेक्टर एरे भी बोलते हैं ना उसको, जावा आपने पढ़ा होगा आई थिंक, देखो इसमें अलग अलग है, JAHI, ओके, दैट्स अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग व्हाट इज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग अगर आपने सी में पढ़ा होगा तो सर आपको बोलते होगा ना, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एरे, सेम टाइप्स ऑफ एरे, मतलब एरे तो सेम ही होता है बट इसमें डिफरेंस है, जावास्क्रिप्ट में अलग एरे है। और एक डेटा टाइप नया है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सिंबॉल, यह आया था ES6 में, ES6, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बोलता है ना ऑब्जेक्ट, इसको रहने दो बाजू में, मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में। जावास्क्रिप्ट इज़ क्या है, लूजली टाइप लैंग्वेज, डायनेमिक लैंग्वेज, देयरफॉर वेरिएबल डजंट एसोसिएट विद एनी टाइप, जैसा मैंने आपको अभी जस्ट पहला स्टेटमेंट था मेरा सेशन पहले वाले सेशन में, कि यहाँ पे वही स्टेटमेंट मैं फिर से वो कर लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिक लैंग्वेज एंड लूजली टाइप, JavaScript is a dynamic language and loosely typed language. Therefore, a variable doesn't associate with any type. मतलब एक वेरिएबल में कोई भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। So, हम लोगों ने ये भी देखा है कि same variable can hold a different type of values, right? तो आपने ये भी देखा है। तो how to get a type of values? मतलब हम लोग को पता कैसे चलेगा भाई किसमें कौन सा डेटा है? मान लो अभी देखो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, अलग अलग वेरिएबल बना रहा हूँ, let नेम इक्वल टू माई नेम, ओके, लेट डिग्री, ओके, डिग्री तो नहीं है, ये भी स्ट्रिंग आएगा, इज लॉग इन मान लो, इज ओके, इज एड्रेस डालता हूं मैं यहाँ पे, ओके, यस, तो ट्रू दे दू इसको, लेट लेट, और क्या आएगा भाई, यहाँ पे सैलरी डालता हूं मैं, ओके, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ डॉट डॉट जीरो, ओके, इस तरह से, एंड लेट परसेंटेज 79.84, ओके, 84, ओके, एंड क्या आएगा, और ये अलग अलग टाइप हो गए। तो हाउ टू गेट अ टाइप, इनके टाइप हमें कैसे पता चलेंगे भाई, ये कौन से टाइप का है वैल्यू, ये कौन से टाइप की वैल्यू है, ये कौन सा टाइप का वैल्यू है, या ऊपर वाला कौन सा टाइप का है? उन लोगों ने हमें एक ऑपरेटर दिया, उसको बोलते हैं हम लोग टाइप ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर, ओके, ऑपरेटर। देखो आप लोग ने सी में काफी ऑपरेटर पढ़े होंगे, अगर आता नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेने का, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एकदम सिंपल है आपका, सिंपल स्टेटमेंट कंसोल डॉट लॉग वाला लिखना है, टाइप ऑफ इतना लिखना है, ठीक है, टाइप ऑफ ये लिख दिया आपने, और आगे आप वेरिएबल का नाम दो, ठीक है, ये अपने आप उसका टाइप बता देगा हमें, नेम का क्या टाइप है ना वो दे देगा हमें, हमारे पास कितने टाइप है प्रिमिटिव में, देखो इतने टाइप है, जो भी रहेगा दे देगा हमें। एक और बनाता हूँ यहाँ पे, देखो लेट अनोन, ओके, अनोन, सो हम लोग देखो मैं कॉपी करता हूँ इसको, मैं आपको अभी टाइप दिखेंगे अलग अलग, टाइप ऑफ इज एडर का टाइप बता दे भाई हम लोग को, सैलरी का टाइप बता दे, इसका टाइप बता दे भाई, अननोन का टाइप बता दे, डेटा टाइप, ओके, ये हम लोग को क्या बताएगा, डेटा टाइप बताएगा, टाइप ऑफ जो ऑपरेटर है ये हमें बताएगा डेटा टाइप, ओके,
सो उसका सिंटेक्स मैंने आपको दिखाया अभी कैसे होता है, सिंपल है ओके। चलो रन करके देखते हैं इसको, ओपन इन ब्राउजर है, कहा चला गया हमारा ब्राउजर ओके। यहाँ पे देखो इसमें इसी में ओपन कर लेता हूं ओके। यहाँ पे देखो हमें क्या मिला, क्या मिला देखो, हर डेटा टाइप को एक हर एक नाम को ले, देखो फर्स्ट नेम को हमारा स्ट्रिंग है, सेकंड को हमें बुलियन मिला, सैलरी को हमें मिला नंबर टाइप, उसके नीचे परसेंटेज को नंबर मिला, हालांकि दोनों डिफरेंट है। सैलरी जो है वो देखो पॉइंट वाली वैल्यू है, नीचे वाला भी पॉइंट वाला वैल्यू है। अगर आप देना चाहते तो देखो इसको ऐसे भी देखिए, देखो आप कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कोई अलग टाइप नहीं फ्लोट के लिए, सबके लिए नंबर ही है ठीक है, जितने भी नंबर है वो अंडर नंबर प्रिमिटिव टाइप, देखो यहाँ फिर भी नंबर ही आया ठीक है। लास्ट में देखो जिस वैल्यू को वैल्यू जिस वेरिएबल में वैल्यू नहीं है उसका अनडिफाइंड टाइप है ओके। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अनडिफाइंड तो मैंने आपको बताया कि अनडिफाइंड प्रिमिटिव टाइप होता है, जो अनडिफाइंड क्या होता है बेसिकली एक डेटा टाइप है, मतलब जब हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं हम लोग कोई भी वैल्यू नहीं होती तब उसमें होता है ओके। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिख दो मैं, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, by default when a variable is declared but not initialized it is assigned a assigned the defined ठीक है। इसके बारे में डिस्कस हुआ है हमारा, null type, what is a null, so हमारे पास 2.31 minutes है, देखते complete होता है क्या हमारा। तो null क्या है, एक primitive data type है okay, so हम लोग किसी भी variable को null अगर assign कर लें वो null होता है, मतलब empty, देखो let null, जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन किस बारे में मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूजिंग है। मान लो एबीसी नाम का वेरिएबल, इसमें मैंने नल टाइप स्टोर किया, उसका मैं टाइप चाहता हूँ यहाँ पे, तो हमें मिलेगा नल, क्योंकि नल एक खुद डेटा टाइप है हमारे जावास्क्रिप्ट में। एबीसी एबीसी का आपको टाइप किया, देखो नीचे यहाँ पे रिफ्रेश आपको मिलेगा नल, सॉरी ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट 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 ओके ओके, नल इज एम्प्टी ऑब्जेक्ट पॉइंटर ओके, सो नल भी एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पॉइंटर है ठीक है यहाँ पे ओके। सो होता है कभी कभी कि हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ में जब काम करेंगे तो किसी ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है किसी ऑब्जेक्ट में, तब हमें वो देगा इस तरह से नल वगैरह देगा वो यहाँ पे, तो वो चेक करते हैं हम लोग वहां पे नल है या नहीं, लेट एबीसी इक्वल टू नल ओके, एबीसी टाइप ऑफ एबीसी ओके, हमें ऑब्जेक्ट ही मिला वहां पे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो हमारा ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि नल हमको देना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो हमें नल देना चाहिए वहां पे ठीक है। ऑब्जेक्ट अभी देखेंगे हम लोग क्या होता है क्या नहीं ऑब्जेक्ट आगे चल के। नंबर टाइप में तो आपको मैंने बताया कि नंबर में इंटीजर भी आएगा, उसके अंदर अपना जो भी रिलेटेड रहेगा, फ्लोटिंग नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं ना जो पॉइंट वाले वैल्यू, ये सब कुछ आएगा उसमें ओके। दैट्स ऑल। स्ट्रिंग में तो हमारे हम लोगों ने देखा स्ट्रिंग में क्या आता है, स्ट्रिंग में हमारा जो है ना देखो डबल कोट्स वाला ये सब कुछ आएगा यहाँ पे, कितने भी बड़ी स्ट्रिंग हो कुछ भी हो ठीक है। पे अलग एक तरीका बताऊंगा आपको स्ट्रिंग को प्रिंट करने का, स्ट्रिंग के मेथड्स हम लोग को देखने काफी सारे आगे चल के, और बुलियन टाइप है, और बुलियन भी दिखाया आपको, ट्रू फॉल्स एंड अदर टाइप्स, वो जो सिंबल है वो हम लोग किसी आगे आने वाले सेशन पे देखेंगे, ऑब्जेक्ट भी ऑल्सो देखेंगे हम लोग अगले सेशन में, ऑब्जेक्ट देखने वाले। सो अगले सेशन में आप लोग आना ओके, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, वी विल मीट टुमारो, इफ आई एनी डाउट आस्क मी, मैसेज मी ओके, bye bye, take care.